हेलो दोस्तों, जियोग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज टॉपिक है अपने पास में अरावली पर्वतमाला के दर्रे। ठीक है, दर्रे जो होते हैं, इन दर्रों को नाल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन नाल के नाम से भी आता है। ठीक है, तो टॉपिक अपन डालेंगे आज अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे। ठीक है, या फिर नाल। अब देखेंगे कि दर्रे होते क्या हैं। पहले तो हम दर्रों को समझेंगे, दर्रे होते क्या है। ठीक है, तो यहां पर अपन दर्रे की परिभाषा डालेंगे या फिर नाल लिख दीजिए। देखिए दर्रे या फिर नाल किसे कहते हैं। देखिए आपको मैं बताऊं, जो हमारे पर्वत होते हैं या फिर आपके पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों के अंदर ये दर्रे पाए जाते हैं। या हम कह सकते हैं कि इन पहाड़ी क्षेत्रों से जाने वाले या आने वाले आवागमन जो क्षेत्र होते हैं, रास्ते जिसे हम कहते हैं, जो कि एक प्राकृतिक मार्ग बनाते हैं, और इन्हीं प्राकृतिक मार्गों को हम दर्रों के नाम से जाना जाता है। देखिए कैसे, ये आपकी पहाड़ी श्रृंखलाएँ हैं इस तरीके से। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखलाओं के, एक पहाड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ये जो भाग दिख रहा है आपको, इन भागों को ही हम दर्रे का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? दर्रे का, या फिर नाल शब्द के नाम से इसको जाना जाता है। नाल क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा। दर्रे और नाल होते एक ही है, लेकिन ये कहां पर परिभाषित है अलग अलग जगह, उस चीज के बारे में बात करेंगे। अभी तो केवल इतना समझिए कि इन पहाड़ी क्षेत्रों के बीच वाला जो सकरा मार्ग होता है, इन्हें ही हम दर्रे का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए इसकी मैं परिभाषा सामने लिख देता हूं। इस परिभाषा को आप उतारेंगे। देखिए भाई, क्या परिभाषा होगी इसकी? पहाड़ियों या पर्वतीय क्षेत्रों। ठीक है, पहाड़ियों या पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन। ठीक है, आवागमन मतलब आने और जाने का मार्ग। आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को क्या कहते हैं? दर्रे कहा जाता है। ठीक है, ये तो वही परिभाषा हुई, दर्रे को हम रास्ता कहते हैं। अब नाल शब्द क्या? देखिए इन दर्रे क्षेत्र, दर्रे वो क्षेत्र जहां पर आदिवासी रहते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में इन दर्रों को नाल के नाम से जानते हैं। मतलब ये कि दर्रे ही नाल होते हैं, लेकिन ये जो नाल है, दर्रे जिसे हम नाल कहते हैं, ये नाल उन क्षेत्रों में बोला जाता है जहां पे आदिवासी लोग रहते हैं। इन्हीं आदिवासियों के द्वारा निकाला गया नाम दर्रों का, वो नाल ही कहलाता है। अब नाल मतलब दर्रे का अर्थ क्या होता है? दर्रे का अर्थ तो मैं बता दूं, सकरा रास्ता। सकरा रास्ता मतलब ज्यादा चौड़ा नहीं, सकरा रास्ता, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है तो ये सकरा ही रास्ता है। इन सकरे रास्ते को ही हम दर्रे का नाम देते हैं। तो ये तो बात हुई दर्रे की परिभाषा की, आप उतार लीजिए इसे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, उतारिए इसे। चलिए अब मैं मानचित्र के माध्यम से बताऊंगा, राजस्थान का मानचित्र बनाएंगे अपन, और उस राजस्थान के मानचित्र में एक एक जिले का नाम लेंगे और उसके अंदर दर्रों को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चलिए एक मानचित्र बनाएं, राजस्थान का मानचित्र होगा और ये कुछ ही जिलों के अंदर ये दर्रे मौजूद है। देखिए ये आपका राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है, जैसा भी है, ये आपका राजस्थान का मानचित्र है। देखिए राजस्थान के मानचित्र के अंदर कुछ जिले कौन से, जैसे कि पाली, ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है उदयपुर, ठीक है,
तीसरे नंबर पे जो जिला आता है वो राजसमंद, ठीक है, इसके अलावा आपका अजमेर, ठीक है, अजमेर, ठीक है, एक दो तीन चार, पाली, उदयपुर, राजसमंद और अजमेर, ये चार जिले ऐसे हैं जहां पर राजस्थान मतलब अरावली पर्वतमाला, क्योंकि अरावली पर्वतमाला श्रेणी वाले क्षेत्र है, मतलब ये श्रेणी अरावली की वो इन्हीं जिलों के अंदर उपस्थित है, तो यहां पर दर्रे भी होंगे, तो इन दर्रों के बारे में बात करेंगे। पाली में कौन कौन से दर्रे मौजूद है, उदयपुर में कौन से हैं, राजसमंद में कौन से, अजमेर में कौन से, पहले तो हम मानचित्र में ये देखेंगे कि ये जिले है कहां पर। तो मैं बता दूं आपको, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये भाग तो है आपका उदयपुर का, उदयपुर, ठीक है, उदयपुर से थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ये आपका भाग है राजसमंद, आप मानचित्र उठा के देख लेना, वहीं पर मिलेगा आपको, उदयपुर से ठीक ऊपर राजसमंद, राजसमंद से ठीक ऊपर का जो भाग है ये पाली वाला भाग है, और पाली से जुड़ा हुआ भाग जो आगे की ओर इस तरीके से होगा ये भाग आपका अजमेर का होगा। तो ठीक है, चार जिले आपके सामने मैंने प्रदर्शित कर दिए, ठीक है। अब मैं एक एक जिले की बात करता हूं, सबसे पहले हम लेते हैं पाली को, ठीक है, पहला नंबर पाली का डालते हैं अपन, ठीक है, सबसे पहले पाली का नाम लेते हैं और पाली में जो दर्रे हैं उनकी बात करेंगे, कौन कौन से दर्रे यहां पर मौजूद है। देखिए पाली के अंदर जो मुख्यतः दर्रा है पहला, वो नाम है देसूरी नाल, देसूरी नाल, नाल, अब मैंने कहा था नाल शब्द कहां पर, जहां पे आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है, देसूरी नाल, ठीक है। दूसरा दर्रा जो है वो दर्रा है बरनाल, ठीक है, यहां पे आदिवासी रहते हैं इसलिए आदिवासी क्षेत्रों के अंदर नाल शब्द का उपयोग किया गया। अब देसूरी नाल ये भी पाली पर मौजूद है, ये पाली वाला क्षेत्र, और बरनाल ये भी पाली वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब जो बरनाल है, ये जो बरनाल है ये कहां से कहां तक है मैं बता दूं, देसूरी तो पाली में है, देखिए मुख्यतः बरनाल का भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बरनाल जो है ये जो आपका दर्रा है ये पड़ता है बरनाल जो पाली, ठीक है, पाली जिले से, ठीक है, पाली जिले के अंदर बर क्षेत्र का नाम, ठीक है, पाली जिले के अंदर बर, ठीक है, क्षेत्र से अजमेर, और अजमेर में मैं बता दूं आपको कहां पर, ब्यावर, जिस प्रकार पाली में क्षेत्र का नाम है बर, वैसे ही अजमेर जिले के अंदर क्षेत्र कस्बा बोल दीजिए ब्यावर, ठीक है ना, को जोड़ती है या जोड़ता है, कौन सा दर्रा, बरनाल दर्रा, ठीक है। और ये दोनों दर्रे जो है वो कहां पर मौजूद है, पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, पाली आपका ये रहा, पाली में देसूरी नाल, बरनाल जो कि पाली बर से अजमेर ब्यावर को जोड़ने का काम ये दर्रा करता है, ठीक है। तो ये तो भैया बात हुई पाली की, ठीक है, चलिए उतार लीजिए आप लोग, ये दो ही दर्रे मुख्यतः है, इंपॉर्टेंट है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब हम दूसरा दर्रा डालते हैं और दर्रे का नाम होगा उदयपुर। देखिए दूसरा नंबर आता है उदयपुर का, और उदयपुर आपको पता है पाली फिर राजसमंद, राजसमंद के ठीक नीचे वाला जो भाग है ये वाला भाग आपका उदयपुर का है। अब देखिए उदयपुर में कौन कौन से दर्रे मौजूद है, सबसे पहला दर्रा है देबर, देबर नाल, यहां पे भी आदिवासी लोग रहते हैं, देबर नाल। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो कहलाता है केवड़ा, देबर, ठीक है ना, देबर नाल। एक है केवड़ा, ठीक है, केवड़ा नाल, ठीक है, कहां पर, उदयपुर में मौजूद है, ठीक है, केवड़ा नाल। तीसरे नंबर पे आता है फुलवारी नाल, फुलवारी नाल, ठीक है, तीन कंप्लीट। चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है हाथी नाल, चौथे नंबर का कौन सा आता है, हाथी नाल। ये चार नाल मतलब दर्रे जो है वो कहां पर मौजूद है, उदयपुर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है, ये दो जिलों के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर का है राजसमंद के बारे में बात करेंगे। राजसमंद पाली और उदयपुर के ठीक बीचों बीच
आपका राजसमंद वाला क्षेत्र है। चलिए राजसमंद की बात कर लेते हैं, इसे उतार लीजिए आप लोग। चलिए अगला पॉइंट डालेंगे अपन राजसमंद का। देखिए भाई, तीसरे नंबर का टॉपिक डालेंगे राजसमंद। देखिए राजसमंद में जो आपके नाल है, मतलब जिसे हम दर्रे कहते हैं, यहां पर अधिक दर्रे पाए जाते हैं। समथिंग कुछ चार पांच के करीब दर्रे यहां पर मौजूद है। सबसे ज्यादा दर्रे यहां मिलेंगे आपको राजसमंद में। राजसमंद में सबसे ज्यादा दर्रे मिलेंगे, या आप लिख भी सकते हो इसको, टॉपिक को डाल भी लीजिए यहां पर कि अरावली पर्वत माला में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद जिले में मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम में आ जाए कि चार ऑप्शन दे दिया जाए और उसमें ऑप्शन में दे दिया जाए क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा दर्रे कहां मौजूद है, तो राजसमंद आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए राजसमंद में सबसे पहला जो दर्रा है वो है सोमेश्वर, सोमेश्वर नाल दर्रे। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है हाथी गुंडा नाल, हाथी गुंडा नाल। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो दर्रा आता है कमली, 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 या हम कह सकते हैं खामली, खामली, खामली नाल। ठीक है, चौथे नंबर पे जो दर्रा आता है वो कहलाता है गोमती घाट, गोमती घाट। और पांचवें नंबर पे जो आता है वो है पगलिया, प ग, ठीक है, पगलिया, प ग आदल है या पगलिया। ठीक है, पगलिया या फिर हम कह सकते हैं जीलवा। ठीक है, ये आपके दर्रे यहां पर मौजूद है। ठीक है, जीवला नाल, और ये जो पगलिया जीवला नाल है ये आपको मिलेंगे कहां पर, जो मैं लिख देता हूं यहां पे मेवाड़। नाम सुना होगा आप लोगों ने, और मेवाड़ कहां पड़ता है, राजसमंद में। ठीक है, से, ठीक है ना, से मारवाड़। ठीक है, और मारवाड़ कहां पड़ता है, पाली में, पाली क्षेत्र। ठीक है, इनको जोड़ने का काम, को जोड़ते हैं ये नाल। ठीक है, मतलब पगलिया और जीवला जो नाल है ये मेवाड़ जो कि राजसमंद और मारवाड़ जो कि पाली को जोड़ने का काम इन नाल का होता है। तो इस तरीके से पांच नाल आपके, ये चार जो डिस्ट्रिक्ट है पाली, राजसमंद, उदयपुर और अजमेर के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब बात करते हैं अजमेर की। ठीक है ना, ये अपने कितने पॉइंट हो गए, चार पॉइंट हो गए, तीन पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट डाल लीजिए अजमेर का। देखिए भाई, अजमेर का पॉइंट डालेंगे। अजमेर में कुल दो नाल आपको मिलते हैं, चौथा पॉइंट है अजमेर का। देखिए अजमेर, अजमेर के अंदर दो भाग है, एक है परवारिया, परवारिया, परवारिया नाल, दोबारा बोल रहा हूं, परवारिया नाल। और सेकंड नंबर पे जो आता है वो है सुरा नाल, सुरा नाल। और ये कहां मौजूद है, अजमेर में, ये डिस्ट्रिक्ट चौथे नंबर की डिस्ट्रिक्ट अपनी अजमेर में। ये दो नाल आपको अजमेर में मिलेंगे। तो इस तरीके से अपने कंप्लीट होते हैं चारों दर्रे जो कि जिले के अंदर मौजूद है, चार क्षेत्र जहां पर अधिक से अधिक दर्रे पाए जाते हैं। जिलों के आधार पर मैंने इन दर्रों के बारे में, या हम कह सकते हैं नालों के बारे में बताया। और फिर से बोल रहा हूं आपको, नाल शब्द वहां पर जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, और दर्रे पहाड़ी, दर्रे तो होते ही है, दर्रे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के बीच वाले भाग जिसे हम सकरा भाग कहते हैं, एक आवागमन वाला भाग जो कि प्राकृतिक मार्ग हम कहते हैं, प्रकृति ने बनाया अपने द्वारा, उसे हम दर्रे या नाल के नाम से जाना जाता है। सकरे रास्ते को हम दर्रा कहते हैं। तो ये चार जिलों के आधार पर मैंने इन दर्रों के बारे में, नाल के बारे में बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।